दोस्त वो सीरियल अनुपमा में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर डॉक्टर अद्वित खन्ना की हो चुकी है काव्या से मुलाकात और उसे समझ जरूर आ गया है कि काव्या और वनराज का रिश्ता क्या है और इस अनुपमा के साथ में क्या क्या हुआ है, यानी इन तीनों की कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में समझ आ चुकी है और वो इनको सुलझाने के लिए काव्या को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए एक ट्रिक भी बताता है, जिसके बाद नहीं यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाएगा कि काव्या वनराज से शादी करना चाहती है और यहाँ पर अनुपमा और तीनों का रिश्ता कितना बुरी तरह से उलझ चुका है और वनराज इस डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहा। तो अब डॉक्टर अद्वित खन्ना ये समझाते हुए नजर आएंगे वनराज को कि अब तो आपको एक डिसीजन पे पहुँचना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो डॉक्टर अद्वित खन्ना ने इन तीनों के रिश्ते को सुलझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब यहाँ पर अनुपमा ने साफ वनराज को कह दिया है कि आपको काव्या से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वनराज यहाँ पर कोई फैसला लेगा उससे पहले वो इस अनुपमा की बात नहीं सुनने वाला है और काव्या को जरूर ये बात समझ आ जाएगी अब वनराज के साथ में रहना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब काव्या यहाँ पर हमेशा के लिए वनराज को छोड़कर जाने का फैसला कर लेगी क्योंकि उसके सामने भी अनुपमा की बीमारी का राज सामने आ जाएगा और यहाँ पर डॉक्टर अद्वित खन्ना कुछ ऐसी बात काव्या से कह देंगे कि आपका ये जिस तरह से उसने एप्पल का एग्जांपल दिया था कि अगर एप्पल मैंने खाई नहीं होती तो मैं आपको ज़रूर ऑफर करता, लेकिन यहाँ पर काव्या को भी अब वो इसी तरह से समझा देगा कि आपका इस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो अनुपमा के साथ जिस तरह से हो रहा है वो ही आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते की हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह जाती है जिसकी वजह से हमें आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है, तो काव्या का यही बेटर रहेगा कि वो वनराज से दूर रहे। काव्या अब जल्दी ही वनराज से कह देगी अलविदा और शो को छोड़कर चली जाएगी, यानी कि वनराज की जिंदगी को छोड़कर चली जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद में शो की कहानी किस मोड पर जाकर पहुंचती है, कहां जाके रुकती है, आगे के एपिसोड के अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।